हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग कोर्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस कोर्स का नाम है अल्टीमेट कोर्स ऑन 80+ मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को जल्द से जल्द शुरू करें। और फटाफट से मुझे आकर बताइए कि क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर। तो इस सेशन को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, और इसके एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो इसे बाद में भी देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे बिना स्किप करे देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, फिर आप परेशान होंगे कि ये नहीं बताया गया है या फिर वो नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये कोर्स जैसा इसका नाम है, 80+ मॉडल्स एंड थ्योरीज का ये पूरा कोर्स है। ज्योग्राफी में बहुत सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। उनमें से ही ये जो मॉडल हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं, जिनसे डिटेल में सवाल आते हैं, वो हम आज देखेंगे कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर ये मॉडल डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर। तो इस कोर्स रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी इसी क्लास के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ऑडियो वीडियो के बारे में बताइएगा, ठीक है। और ठीक है, अल्टीमेट कोर्स ऑन 80+ मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कोर्स है। हिंदी इंग्लिश इसकी पूरी लैंग्वेज नोट्स इन सब से रिलेटेड आपको जानकारी अभी थोड़ी देर में पता लगेगी। गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो वीडियो बताइए फटाफट से, बिना देरी किए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे बताइएगा। प्रभा, सलिता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरिता, ओके, ऑडियो वीडियो सभी तक क्लियर है ना। ज्योति, गुड आफ्टरनून। ठीक, ये कोर्स आपका किन स्टूडेंट के लिए है, हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है? तो जो भी स्टूडेंट अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट में जो थ्योरीज आती हैं आप जानते हैं वो अल्टीमेट हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप सेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उन सभी एग्ज़ाम में मॉडल्स एंड थ्योरीज तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। और इतने सारे मॉडल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि इस कोर्स का नाम ही 80+ मॉडल्स ऑन थ्योरीज है। तो 80 क्या केवल 80 ही हैं? नहीं, 80 से बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन जिनसे डिटेल में सवाल आता है, जैसे डेविस की थ्योरी है, जैसे पेंक है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जैसे वेबर की थ्योरी है, जैसे लॉश की थ्योरी है, ये डिटेल में पूछी जाने वाली थ्योरीज हैं। तो इनकी संख्या लगभग लगभग 80 के आसपास है, 80 से ज़्यादा ही है, 80 से कम नहीं होगी, ओके। तो इनका ये पूरा कोर्स है, इन 80+ मॉडल्स का, 80+ थ्योरीज का ये कोर्स है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले हम किस किस मॉडल को इसमें कवर कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। पूरा लेक्चर आपको देखना है ध्यान से, स्किप नहीं करना है, जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। इसके अलावा हमने पेपर वन का भी बैच शुरू किया है, लक्ष्य बैच भी शुरू किया है ना। ये टोटल हमारे आज आपके सामने 8 बैच दिख रहे हैं आपको, जो रनिंग में हैं। बैच वन आपका पेपर टू के लिए है, बैच टू आपका पेपर वन के लिए है, और बैच थ्री हमारा तीसरा लाइव बैच शुरू होने जा रहा है। कब से शुरू होगा ये भी जानकारी आपको भी बताई जाएगी, पीडीएफ नोट्स के बारे में भी, कैसे ज्वाइन करना है ये सब बताया जाएगा। अल्टीमेट बैच ऑन मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी फॉर दिसंबर 2022। अब यहाँ पर दिसंबर 2022 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ दिसंबर 2022 नहीं होता है, आप आगे आने वाले 4-5 सालों में जो भी एग्ज़ाम देंगे, टीजीटी, पीजीटी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये वही रहेगा जो आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ओके। और इसके डेमो क्लासेस के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा डेली PYQs प्रैक्टिस की टाइमिंग आप 8 से 9 बजे ज्वाइन करें इस कोर्स को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम शुरू करें इस क्लास को, इस सेशन को, कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर आपको कवर कराया जा रहा है। तो देखिए, तो अगर आप
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लगातार आते रहते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने, आप नंबर देखिएगा कितने हैं, टोटल 80 हैं। 80 से भी ज़्यादा इसके अंदर आपको डिस्कस किए ही जाएंगे, लेकिन 80 तो ऐसे हैं जिनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 80 कहाँ से आ गए, हमने तो कभी इतने सुने नहीं, पढ़े नहीं, आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो करते 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 इतने सारे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, कैटास्ट्रोफिज्म है, डिटेल में सवाल आने वाले समय में पूछेगा ही पूछेगा। कैटास्ट्रोफिज्म के बाद यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, एक रूपतावाद, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है डेविस का, और स्लोप एवोल्यूशन या स्लोप डिक्लाइन मॉडल है डेविस का ही। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस आप कह सकते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, ये किसका है, पेंक का, ये हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसमें इन मॉडल्स थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो हमारी मॉडल्स एंड थ्योरीज की प्लेलिस्ट है। जो पेडिमेंटेशन साइकिल है एल सिकिंग का, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है एच एफ रीड की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोफेसर हैरी हेस, है ना, जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है ई हॉग और हॉल एंड डाना का, इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा जो इवांस ने क्या कहा है जियोसिंक्लाइन के बारे में, शोशर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इनको हम डिस्कस करेंगे, और कोबर की क्या थ्योरी है, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल बातें हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, रेडियो एक्टिव थ्योरी, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और इनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्राई सेलुलर मेरेडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और पोलर फ्रंटल थ्योरी है, या फिर आप इसे बरग्रान थ्योरी भी कह सकते हैं। कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, थॉर्थमेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ट्रवार्था का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ये सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा हम इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी, चाहे वो रेवेनस्टीन की है, जेलेंस्की है, रॉयली का ग्रेविटी मॉडल है, ये सब डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जीके जिफ का, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टोफर की, कंपिटेटिंग माइग्रेशन मॉडल स्टोफर का, माइक्रो एनालिटिकल मॉडल टी हेगरस्ट्रैंड का। अब यहाँ पर देखिए, इनका नाम सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जब क्लासेस होती हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने मटेरियल रहता है, और दोनों ही मटेरियल आपके सामने होगा। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जैसे हिंदी में अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो वैसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बैच केवल थ्योरीज और मॉडल का है, इसमें सिर्फ मॉडल्स एंड थ्योरीज डिस्कस किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम मॉडल्स एंड थ्योरीज है। और मॉडल्स एंड थ्योरीज आप जानते हो कि कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, हमेशा आप इन सभी मॉडल्स और थ्योरीज को देख लीजिए। अगर आप यूनिट 1 से लेकर के देखेंगे और यूनिट 10 तक, ठीक है, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक अगर आप किसी भी मॉडल थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन करना भारी पड़ जाएगा, यस और नो, करेक्ट है या नहीं कहें। अगर आप यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सभी मॉडल्स और थ्योरीज को अपनी स्टडी से निकाल देंगे बाहर, उनको निकाल दीजिए बाहर, तो आपको 50 क्वेश्चन करना मुश्किल पड़ जाएगा, जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 50 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से आते हैं सवाल, तो आप कह सकते हो कि 50% के आसपास सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स एंड थ्योरी से होगा। अभी बाकी चीज़ें अभी आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी पहले ये सुनिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, क्या क्लास कैसे होगी, नोट्स कैसे मिलेंगे, वो सब बताया जाएगा। पुश एंड पुल थ्योरी है ली की, माइग्रेशन जोन थ्योरी ग्रिफिथ टेलर, माल्थस का सिद्धांत है, डेंसिटी थ्योरी है सेडलर की, रिकार्डो का थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है, मार्क्स की थ्योरी है पॉपुलेशन की, और एडविन कैनन का ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है। इसके अलावा डबले का सिद्धांत है, बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, और सेक्टर थ्योरी है होमर हॉयट और एम आर डेविस की, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी हैरिस और उलमैन, रैंक साइज रूल है आपका जी के जेफ का, जिसे बाद में जी के जेफ ने दिया था 1949 में, प्राइमेट सिटी, ओरिजिन से रिलेटेड टाउन्स, गॉर्डन चिल्डे, हेनरी पैरन, लेविस मम्फोर्ड, सब डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कई थ्योरीज हैं, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। जेसी वीवर की थ्योरी है, किकू काजुदोई की थ्योरी है, रफीउल्लाह है, डी विटलसी का जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन है, वॉन थ्विनन का मॉडल है, अल्फ्रेड वेबर, लॉश, स्मिथ, हुवर, इजार्ड, टॉड प्लेंडर, एलन प्रेड, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, इन सब की ये जो थ्योरीज हैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। गुनन मडाल की क्यूमुलेटिव कॉजिशन थ्योरी, जॉन फ्रिडमैन की कोर पेरीफेरी मॉडल,
राउल पबिश का डिपेंडेंसी थ्योरी या फिर अंडर डेवलपमेंट थ्योरी आप कह सकते हैं, हिशमैन का अनबैलेंस ग्रोथ है, फ्रांसिस पेरोस का ग्रोथ पोल थ्योरी, और एटी महान का कॉन्सेप्ट ऑफ सी पावर। इसके अलावा हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी दोनों के दोनों डिस्कस की जाएंगे, एयर पावर कॉन्सेप्ट है, क्रश जोन थ्योरी है, थर्मल कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है आपका मानसून से रिलेटेड, और तिब्बत का प्लेट्यू पी कोटेश्वर हमने क्या बात कही है, स्पाशल इंटरेक्शन मॉडल, बिहेवियर लोकेशन थ्योरी एम ई हर्स्ट की, या फिर इसको हर्स्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, हर्स्ट की जो थ्योरी है, एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर विलियम बुंगे, बिट रैंड थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ लेविनसरम, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ और मैं आपको साइड में बीच बीच में बताता हुआ चलूँगा। तो ये 80 प्लस मॉडल्स और थ्योरीज़ का ये पूरा बैच है जो कि आपका 50% सिलेबस को कवर करता है। अब आप सोचेंगे कि आपको किसी एक बुक में मॉडल्स एंड थ्योरी की किसी एक बुक में मिल जाएगा, तो ये 100% इम्पॉसिबल है। आप माजिद हुसैन सर के जो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ वाली बुक भी परचेस करते हैं तो ना ही ये आपको उसमें मिलेगा। आप के सिद्धार्था की जो बुक है परचेस करते हैं मॉडल थ्योरीज़ का, तो सभी मॉडल थ्योरी इसमें आपको नहीं मिलेंगी। मिलेगा भी तो उसका अपना लिमिटेशन होगा, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं जो एग्ज़ाम के लेवल से पूछी जाती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप इनमें से कोई सी भी थ्योरी देखिए, उससे डिटेल में सवाल आएगा। ये वो थ्योरीज़ हैं जिनसे डिटेल में सवाल आएगा, असर्शन रीजन का सवाल आएगा, चार पांच स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा। इस बैच को स्पेसिफिक रूप से इन्हीं टीचिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखिए, सबसे पहले चीज़, आपको नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़ यह है नोट्स से रिलेटेड। क्लासेस आपकी कहाँ पर लगेंगी? क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लगती हैं, जो पेड स्टूडेंट होते हैं उनके अलग बैच बनते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे अभी आप इसको देख पा रहे हैं, तो आपने कभी कोई पेड क्लास देखी है? अगर जब तक उसको पब्लिक ना किया जाए, तो ये जो क्लासेस होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, वो सिर्फ उन स्टूडेंट को शो होंगी जो पेड बैच में जुड़े होंगे, जिन्होंने फीस पेमेंट करी होगी और उसके बाद वो उस क्लासेस को देख पाएंगे। तो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये बैच आपका कब से शुरू हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं कब से, आज से इसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आज है आपका, आज आपकी क्या तारीख है, आज है 23 सितंबर, तो 23 सितंबर से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और कब से ये बैच शुरू होगा, कब तक रजिस्ट्रेशन इसमें चलेंगे, 23 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक, 14 या 15 अक्टूबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन चलेंगे, और 15 अक्टूबर से आपकी क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कब से क्लासेस शुरू होंगी? 15 अक्टूबर से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 15 अक्टूबर में ही ज्वाइन करना है, फटाफट से इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। हम इसमें लगभग लगभग 150 स्टूडेंट के आसपास इसमें इनरोल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अगर मेरे साथ भी बैच हो जाएंगे तो मुझे सबको हैंडल करना मुश्किल होगा, सबके डाउट्स होते हैं, तो 150 के आसपास हम इसमें स्टूडेंट को रखेंगे, ओके। तो ये आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नोट्स आपको टाइम टाइम पर, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वैसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, स्किप नहीं करना है और सबके साथ इसको शेयर करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये सभी बैचेस की डिटेल आपके सामने लिखी गई हैं, आपको जिस बैच में ज्वाइन करना है उसकी फ़ीस आप उसके सामने देखिए। जैसे सपोज कि आपको बैच थर्ड अल्टीमेट बैच ऑन मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी ये इसमें ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस चलेंगी प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए कभी आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा बैच में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कितनी भी बार देखिए, कितनी भी बार आप उसको देखिए। इसका एक्सेस कब तक रहेगा ये आपके लिए जानने वाली बात है। तो अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अभी तो एक 12 अक्टूबर को हो रहा है एग्ज़ाम, करेक्ट। अब 12 अक्टूबर के बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तब तक आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा। अब वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो या फिर 2023 में जनवरी में हो या मार्च में हो, जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा। तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल है, ओके। तो सपोज़ आपको अल्टीमेट कोर्स में ज्वाइन करना है, बैच थ्री है जो कि, तो इसकी फ़ीस देखिए 1000 इसकी फ़ीस है, लाइव बैच है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो सिर्फ मेथड वन से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर मेथड टू से इसकी फ़ीस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेथड वन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसान है,
इसमें आप या तो गूगल पे का इस्तेमाल करेंगे, या तो फ़ोन पे, या फिर पेटीएम। इन तीन मेथड से ही मेथड वन के हिसाब से पेमेंट एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप कोई और दूसरा मेथड से पे करते हैं मेथड वन का इस्तेमाल करते हुए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इन तीनों में से किसी एक से पेमेंट कर सकते हैं, जो 1000 इसकी फ़ीस है। अब किस नंबर पर करनी है, तो ये आपके सामने पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर लिखा हुआ है, 7981 7981 8883 9। ओके, जब आप इस पर ये पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट कंफर्मेशन का एक जो पेज होता है, उसका स्क्रीनशॉट आपको सेम नंबर पर व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, और इंतज़ार करना है। विद इन आवर आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा, और विद इन 1 आवर आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब पेड बैच कहाँ पर बनेगा, तो पेड बैच आपका टेलीग्राम पर बनेगा। तो टेलीग्राम एक पेड बैच यहाँ पर आपको ऐड किया जाएगा, आपको 1 घंटे का इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत सारे जब मैसेज करेंगे तो फिर तुरंत आपको नहीं होगा, और आप फिर पेमेंट करने के बाद तुरंत आप कॉल करेंगे बहुत सारे, तो फिर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस चिंता मुक्त हो जाइए, व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं फिर उसको देखूंगा, और फिर आपको टेलीग्राम पेड ऐप में जोड़ दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पेड ऐप में फिर आप मटेरियल कैसे एक्सेस करेंगे, उसके उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि इस समय पर आपको क्लास ज्वाइन करना है, ऐसे आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं, आपको लाइव क्लास कैसे देखनी है, वो एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। अगर आप इन 3 स्टेप को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद वो आपको वीडियो दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो कोर्स है, मतलब ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मतलब इसको करने के बाद आपको असल में ये फील आएगी, हाँ सच में आपने इन थ्योरीज को पढ़ा है। जैसे आप इसके लिए आप क्या काम करें, आप कई स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि हमें डेमो वीडियोज़ दे हैं। अब डेमो वीडियोज़ तो वैसे आप इतनी सारी क्लासेज हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेमो वीडियोज़ के लिए क्या करना है। ये हमारा एक प्लेलिस्ट है, मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी। ये सब के सब आप देखिए, ये क्या है, ये डेमो वीडियोज़ हैं। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आप देखिए, पेड ग्रुप की क्लास है। एल नीनो लालनीना, ये पेड ग्रुप का थ्योरी है। ज्योग्राफिक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड डेविस हमने डिस्कस किया है, तो इस सेशन में, इस बैच में जो हमने डिस्कस किया था, ये वो थ्योरी है। ऐसे ही आपको इस बैच में भी कराया जाएगा, और इसी में हूवर की थ्योरी अभी ऐड हुई है। अभी जो हमने 2-3 दिन पहले हूवर डिस्कस किया है, ठीक है, तो हूवर की थ्योरी इसमें कराया गया है, और यही पीडीएफ फिर मैंने आपको सेम कहाँ पर प्रोवाइड की थी, तो वो आपको यहाँ इस फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी। लेकिन जो पेड स्टूडेंट होंगे उनके लिए अलग पेज बनेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो अगर आपका इस कोर्स से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डेमो क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, किसी को कोई समस्या नहीं है, और इसके अलावा जो पेमेंट प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, तो आप अभी के अभी उसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लाइव सेशन में हैं। बताइए, उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इन थ्योरीज का जो लेवल होगा इस कोर्स में, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको थ्योरीज और मॉडल्स में, क्योंकि ये मॉडल एंड थ्योरीज का कोर्स है, मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए किसी भी दूसरी बुक को नहीं पढ़ना है, किसी भी दूसरे लेक्चर को नहीं देखना है, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, और सिर्फ जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है वो कवर करना है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप इस कोर्स को कवर करने के बाद मॉडल्स एंड थ्योरीज जहाँ जहाँ भी आती हैं, यानी कि नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो UPSC, UPPSC, HPPSC है ना, या फिर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, आप आराम से देंगे इसको। सेट का एग्ज़ाम है, AGT PGT का एग्ज़ाम है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, सब आराम से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये इतना बेनिफिशियल कोर्स आपके लिए होने वाला है, और YouTube पे इसको पहली बार हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो इसको फटाफट से आप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को किन यूनिट्स में प्रॉब्लम होती है आप सोचिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन्हीं यूनिट्स में होती है। मतलब एक तो यूनिट 9 है, यूनिट 9 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी हमने बैच शुरू किया है। और दूसरी चीज़, मॉडल्स एंड थ्योरीज कहीं पर भी एक जगह पर आपको नहीं मिलेंगे,
तो मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए भी हमने एक कंबाइन करके एक बैच शुरू कर दिया है, और इससे आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फटाफट से इसको ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं, उम्मीद है आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट से, और जो स्टूडेंट बाद में देखेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको पूरा देखें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको स्किप कर करके देखते हैं। स्किप करने से क्या होगा, स्किप करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी छूट ही जाएगी। आप वीडियो स्किप कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी स्किप होगी, तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए, सारी चीज़ इसमें समझा दी है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचता है तो तब आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, यही गूगल पेटीएम फ़ोनपे सब जगह का नंबर यही है, तो इस पे आपको व्हाट्सअप करके, अगर इसके अलावा कोई चीज़ है, वैसे तो आप अभी लाइव सेशन में हैं तो जो लाइव सेशन में वो पूछ सकते हैं लाइव, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं, इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे, अभी तो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, कि हम इस कोर्स के अंदर इन 80+ मॉडल्स एंड थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि इसमें कोई मॉडल या थ्योरी छूट गई है तो हम उसको भी ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आपने जितने सोचे भी नहीं होंगे उससे ज़्यादा इसमें मॉडल्स एंड थ्योरीज को डिस्कस किया जा रहा है, और वो सभी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में, फटाफट से आइए, ज्वाइन कीजिए इसे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। 15 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तब तक आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो आप इनको देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कोर्स में, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।